नमस्कार, आज हमारे साथ हैं आईएएस श्रिया गुहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप 1994 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। आपने प्रदेश में विभिन्न फील्ड्स एवं एरियाज में अपनी सर्विस दी हैं। आपने अपनी कॉलेज जेएसएस एवं मैरी स्कूल न्यू दिल्ली से की है और एमफिल जेएनयू से किया है। आप यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रही हैं। आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से विमेन एवं लीडरशिप पर एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप भी से भी सम्मानित किया गया है। आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी के दौरान ढेरों अवार्ड्स आपके नाम किए हैं। राजस्थान के आर्ट एवं कल्चर के ग्लोबल प्रोग्राम, टूरिज्म और स्पेशल अर्बन हेरिटेज के डेवलपमेंट में आपका योगदान अतुल्य रहा है। आज हम आपसे जानेंगे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े आपके काफी एक्सपीरियंस। मैम, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच मैम। पहला सवाल 40 वुमेन विंग की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इंडिया में सबसे टफ एग्जाम माना जाता है यूपीएससी। आपने इस एग्जाम में अपीयर होने का मन कैसे बनाया? आपने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया और आपकी आईएएस ऑफिसर बनने तक की जर्नी को आप किस तरीके से देखती हैं? आपने कई सारे मैं ये कहूंगी, शायद एक तो मेरी फैमिली में ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स थे। मेरे फादर एक सिविल सर्वेंट थे, तो माहौल कुछ घर का ऐसा ही था। और जिस दौर में हम लोग पढ़ रहे थे इन द 90s, ये आम धारणा थी कि जो सबसे एक कवेटेड जॉब है वो ये है, पर उसके अलावा जो एक सोशल कारण थे, उसके अलावा ये था कि जब मैं पढ़ रही थी और जिस माहौल में मैं पढ़ रही थी, तो मेरे ख्याल से मुझे ये बहुत उसका असर रहा। मुझे लगा कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम बहुत लोगों के लाइफ को टच कर सकते हैं, और इतनी कम उम्र में शायद और कोई इस तरह का प्रोफेशन नहीं है जो हमें ये एक अपॉर्चुनिटी दे कि हम लोगों की मदद कर सकें, एक फंडामेंटल तौर पे उनकी मदद कर सकें, उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बदलाव ला सके, इम्प्रूवमेंट ला सके। तो ये उससे मैं मोटिवेट हूँ। मैम, आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां जो निभाते हैं, उसमें आपको कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? आप कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाती हैं? ये मेरे ख्याल से ऑफिसर के लिए, वर्किंग वुमन, हर जगह हर तबके में यही एक चैलेंज आता है। और मेरे ख्याल से एक ये जो क्वालिटी हम सब में रहती है कि हम मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उससे फायदा मिलता है। और ये भी मुझे लगता है कि वुमेन हैव दिस एबिलिटी कि वो अपने लाइफ को कंपार्टमेंट्स में भी जी लेती हैं। वो ऑफिस का काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हैं, पर वो कभी अपने घर के माहौल में या बच्चों के साथ उसका कोई वो कैरी ऑन नहीं करती, कोई बैगेज लेके नहीं आती। जब घर आती है, बच्चों को संभालती है, घर संभालती है, तो उसी पे पूरा फोकस रहती है। तो ये एक मैंने हर महिला में एडवांटेज देखा है कि वो अपने लाइफ को अलग अलग जो उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बखूबी निभाती है। तो ये मेरे ख्याल से एक एडवांटेज रहता ही है। और चैलेंजेस रहती हैं क्योंकि घर में भी आते हैं तो दी ऑफिस वालों यू वो तो होता ही है, कोशिश ये रहती है। और सपोर्ट भी काफी मिलता है क्योंकि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो उनके पेरेंट्स ने भी काफी हेल्प किया। सभी के घरों में यही होता है, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहता है, इन लॉज का सपोर्ट रहता है, और हस्बैंड इज सपोर्टिव, तभी आप आगे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारी नौकरी ऐसी होती है कि आवर्स बड़े रैकेट होते हैं, आपको अचानक से छोड़ के चले जाना पड़ता है किसी एक अर्जेंट को हैंडल करने के लिए। तो
पूरा आपका इको सिस्टम ऐसे होता है कि आप धीरे धीरे उसको बना लेते हैं कि वो आपको सपोर्ट। मैम जैसे आपने इकोसिस्टम की बात की, लेकिन उस इकोसिस्टम के बावजूद ऐसा होता है कि बहुत सारी चैलेंजेस लाइफ में आ जाते हैं, बहुत सारे हमें अप एंड डाउन्स और फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है। क्या आपने भी किसी फेलियर का सामना किया है, और किया है तो किस तरीके से उससे उभरा है? मैं शायद उसको नहीं कहूंगी और हम में से कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि आई थिंक एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आप सक्सीड करते हैं उससे भी सीखते हैं, और अगर कहीं आपके कोई गोल्स या कुछ आप अचीव करना चाहें वो नहीं हो पाता है, तो वो पूरा जो प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया है, उस तक जाने का आपने जो भी एक रूट लिया है, उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो वो भी एक सीखने का मौका होता है। सो आई थिंक द वर्ड फेलियर डजंट फिट इनटू आवर लाइव्स, एवरीथिंग इज अ लर्निंग। मैम कितनी खूबसूरती से आपने ये चीज बताई। मैम आपके लिए, आप इतनी पॉजिटिव पर्सन हैं कि आपने अपने आप हैप्पीनेस और सक्सेस को का क्या डेफिनेशन है? आप किस चीज को सक्सेस की नजर से देखती हैं और किस चीज को हैप्पीनेस की नजर से देखती हैं? मुझे लगता है हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्वाह करनी पड़ती है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पे हो। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड ना हो, जब तक आप खुद नहीं डिसाइड कर लें कि ये मेरे गोल्स हैं और इस तक मुझे जाना है, चाहे वो आप कुछ ऑफिस से रिलेटेड आपके हो चैलेंजेस, तो तब तक चाहे वो आपको कितना ही कोई मोटिवेट कर ले या आपको फोर्स कर ले, प्रेशराइज कर ले, जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता है, सेल्फ आप गोल्स नहीं सेट करते हैं, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। एंड सक्सेस इज समथिंग विच इज सेल्फ डिटरमिनेंट। हो सकता है कि वो किसी और के लिए सक्सेस के दायरे में आए नहीं आए, पर अगर मैंने अपने लिए कोई गोल सेट किया है और मैं समझती हूँ कि उसको मैंने अचीव किया है, तो मेरे लिए सक्सेस इज दैट। तो काफी एक पर्सनल चीज होती है, और मेरे ख्याल से आपकी सेटिस्फैक्शन और आगे बढ़ने का और आगे काम करने का, नए इनिशिएटिव लेने का जो प्रोत्साहन है, वो तभी मिलता है जब आप खुद अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, या आपका जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसमें आप जैसा चाह रहे हैं आपने वैसे अगर अचीव कर लिया है और आपके सेटिस्फैक्शन से हो गया, देन यू आर सेल्फ मोटिवेटेड टू डू द नेक्स्ट थिंग। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ। सही बोला मैम। हमारी सेकंड मॉडरेटर हैं ललिता जी, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगी। जी ललिता। या हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम आईएएस बनने के बाद आप क्या मतलब जो आप ऐसी कौन ऐसी लाइफ जो आप जीना चाहती हैं या जिस चीज को एंजॉय करना चाहती है लाइफ को जिस वे में, क्या आईएएस बनने के बाद आपको उसमें कोई मतलब परेशानी या कोई प्रॉब्लम ऐसे फेस करना पड़ता है मैम? क्या आईएएस बनने के बाद आप वो लाइफ नहीं जी पा रही हैं या वैसे एंजॉय नहीं कर पा रही जैसा आप जीना चाहती हैं या जिस तरीके से आप लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं? क्या आईएएस ऑफिसर की लाइफ एक जनरल मतलब आम आदमी से डिफरेंट होती है क्या मैम, लाइफ स्टाइल? थोड़ी देखिए समय की पाबंदी होती है, क्योंकि जब हम फील्ड जॉब्स में रहते हैं या यहाँ भी जब जयपुर में हम हेडक्वार्टर्स में भी रहते हैं, तो हमारे इस तरह के आर्ज होते हैं कि अचानक से कोई काम आ पड़ता है, छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट हमारा होता नहीं है, तो हम हमारे हर दिन काम करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि हो सकता है कि दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको थोड़े ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होते होंगे, अगर छुट्टी है तो वो काफी छुट्टी है तो छुट्टी के हिसाब से ही चलते हैं, हमारे यहाँ उतना नहीं हो पाता है। पर क्योंकि वो पहले दिन से ही ऐसी नौकरी होती है कि आपको कभी भी कहीं जाना पड़े, तो आप उसको अपने लाइफ का हिस्सा ही मान लेते हैं। और मेरे ख्याल से मैं तो अपने बच्चों को भी देखती हूँ, वो भी कभी ये डिमांड नहीं करते कि छुट्टी वाले दिन उनको कुछ तकलीफ चाहिए, ये उनकी लाइफ बन चुकी है, तो उस हिसाब से मिस करने की कोई बात नहीं है। और वर्क का प्रेशर इस तरह का रहता है कि हो सकता है कि आपको अपने कोई जो हॉबीज हो या जो आपके पर्सनल
इंटरेस्ट हो उसके लिए उतना टाइम नहीं आपको मिलता है जितना आप चाहते हैं. पर अगेन आई मीन दैट इज समथिंग दैट यू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. बट जैसे ही थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलता है यू ट्राई एंड ऑप्टिमाइज कि उसमें जितना मैं मैक्सिमम अपने लिए कुछ करता हूँ. मैम आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या आप अपनी हॉबीज इस मतलब इस लाइफस्टाइल के साथ पूरी कर पाती हैं? ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है. अब ट्रैवलिंग तो वो जॉब के साथ ही हो जाती है. इस जॉब की ब्यूटी वो है कि हमें हमारी पोस्टिंग्स अलग अलग जगह होती हैं. हमें काम के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, नई चीजें सीखने को मिलती है. सो लाइफ इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग. एक मतलब इतने साल मेरे 26 साल की नौकरी हो गई फिर भी मुझे हर दिन लगता है कि एक नई चीज सीखने को मिल रही है, एक नया कोई नई जगह देखने को मिल रहा है या नया एक्सपीरियंस हो रहा है. सो दैट इज समथिंग दैट योर जॉब गिव्स यू. तो उससे तो मुझे खुशी होती है. कुछ चीजें जैसे कभी मुझे लगता है कि रीडिंग के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है क्योंकि लेट आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं. अगर अगर मैं कहूँ कि अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद रीडिंग जो पहले जितना करते थे उतना नहीं कर पाते हैं. या मैं काफी इंटरेस्टेड रहती हूँ इन न्यू काइंड्स ऑफ क्यूजीन ट्राइंग टू एक्सप्लोर. तो उसके लिए भी छुट्टी के अलावा और कोई दिन मिलता नहीं है तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए. ओके वाओ मैम. मैम जैसे आपकी जो जॉब है जो प्रोफाइल है उस हिसाब से अलग अलग फील्ड में और अलग अलग एरिया में आपको काम करने का मौका मिलता है, और तो वो कितना चैलेंजिंग मैम आपको लगता है? आप उसको चैलेंजिंग मानती हैं या वो आपको अमेजिंग लगता है, लाइक फुल ऑफ एडवेंचर मान लीजिए इस तरह से, आप उसको किस वे में लेते हैं? मैं इसको एक वर्क ऑफ द जॉब मानती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई जॉब है जो आपको इतनी वैरायटी, इतना बड़ा कैनवस देता है कि तरह तरह की एक्सपीरियंसेस आपको होती हैं. और जब आप किसी एक आम आदमी के लाइफ में या जो जैसे हम कहते हैं जो लास्ट मैन इन द क्यू, जो अंतिम जो है वो उसको आप हेल्प कर पाते हैं तो किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है आई डोंट थिंक किसी और जॉब में मिलता होगा. और जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि ये इस तरह के जॉब ज्वाइन करने का मोटिवेशन यही था कि इतनी कम एज में, आपकी एज कोई 23-24 होती है व्हेन यू ज्वाइन द सर्विस, और इतने कम एज पे आपको और कोई जॉब उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता कि आप किसी की इतनी मदद करें या हेल्प करें या नई चीज आप सीखे, नए अनुभव का फायदा इस तरह से हो कि आपको जो जुरिस्डिक्शन में लोग हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको उसका फायदा. क्या बात है मैम. अच्छा मैम जैसे अभी कोविड है, ये कोविड काल कहा जा रहा है कोविड, तो इसमें मैम जैसे कोविड का इफेक्ट एनवायरनमेंट पे, आर्ट एंड कल्चर पे, टूरिज्म पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे से जुड़े जो स्टार्टअप्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स के सामने कौन कौन से मैम बड़े चैलेंजेस आए हैं, और इनसे कैसे इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं या इन चैलेंजेस में से हम अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकाल सकें, ऐसा कोई बताएंगे मैम आप? जब कोविड का असर शुरू हुआ मार्च में और जब लॉकडाउन हुआ तो कई सारे ऐसे वेबिनार्स होते थे तो खासतौर पे टूरिज्म डिपार्टमेंट में बहुत होते थे क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा अफेक्टेड था. तो मैं हर बार यही कहती थी कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा वही सक्सेसफुल होगा जो इनोवेटिवली सोच पाएगा, जो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आएगा. और टूरिज्म है या दूसरे सेक्टर्स के स्टार्टअप्स हैं उनमें टर्न अराउंड टाइम इतना कम है कि वो बहुत जल्दी अपने आप को नए परिस्थितियों में ढाल सकते हैं, नया प्रोडक्ट इवॉल्व कर सकते हैं. तो मतलब आप देखिए कि मार्च से लेके अब तक कितनी नई नई तरह की चीज आ गई जो हम कभी सोच नहीं सकते थे. हमने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे बच्चे अब 100% में पढ़ाई करेंगे और कर रहे हैं इतने महीनों से और एवरीबॉडी इज मोर ऑर लेस कंफर्टेबल विद दैट, शहरों में कोई दिक्कत नहीं है. उसी तरह से द वे वी लिव, द वे वी शॉप, द वे वी कंडक्ट आवर लाइफ, पूरी दुनिया चेंज हो गई और छोटे छोटे हमारे लाइफ के हिस्से थे अब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो इस तरह से जो ज्यादा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ पा रहा है वो ही सक्सेस कर रहा है.
मतलब मैंने अभी देखा कि लेट्स से जो हैं रेस्टोरेंट हैं उन्होंने अपने आप को नए नए तरीके से ढाला है ताकि किसी पर्सन का बिजनेस नहीं अफेक्टिव हो। जब हमने अपने मॉन्यूमेंट वाइल्ड लाइफ पार्क खोले थे तब भी तो था कि कौन आएगा और उतने डर का माहौल है, पर जब हमने उनको खोला तो लोगों का इतना उत्साह था और इतने लोग आके देखने चाहते थे। तो इसका मतलब है कि डिजायर टू ट्रैवल, डिजायर टू सी, डिजायर टू एक्सपीरियंस वो तो है, वो कायम है, और उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे आप उसको एक फैसिलिटी दे सकते हैं कि वो घर में बैठ के ही अपनी सारी एक्सपीरियंसेस को सेटिस्फाई हो जाए। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हम लोग इस हालात से लड़ सकते हैं और इसमें से अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू नेहा। थैंक यू ललिता मैम। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका बहुत ही लंबा एक समय आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में बीता है, आपको बहुत करीब से राजस्थान के कल्चर और हेरिटेज से रूबरू होने का मौका मिला है। मैम आपके होम टाउन दिल्ली भी एक हेरिटेज प्लेस की तरह ही देखा जाता है, वहां का कल्चर और यहाँ के कल्चर में आपको किस तरीके का डिफरेंस महसूस होता है और आपका एक्सपीरियंस इस डिपार्टमेंट में कैसा रहा है? आर्ट एंड कल्चर जो ऐसा सेक्टर है वो मैं ना तो केवल मेरे इंटरेस्ट का है, पर मैंने जो मेरी पहले की पढ़ाई है वो भी इसी एरिया में है, तो थोड़ा बहुत प्रोफेशनली टूरिज्म जी भी इसमें ट्रेंड हूँ आप हो सकते हैं। जी और मैम केवल दिल्ली नहीं, मैं तो ओरिजिनली आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, तो वो एक बहुत ही कल्चरली एनरिच्ड एक स्टेट है जहाँ पे चाहे वो आर्ट हो या ड्रामा थिएटर हर तरह की चीजें बहुत रुचि लेके की जाती है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कंपलसरी है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो कोई ना कोई आर्ट फॉर्म हमेशा घर में सीखते हैं, या तो गाना सीखते हैं या कोई डांस सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते जी हैं। और हेरिटेज मैनेजमेंट में मेरा इंटरेस्ट इस तरह से आया कि जब मैं भारत सरकार में पोस्टेड थी तो मेरे एक नया हेरिटेज साइट्स मिशन लॉन्च हुआ और उस हेरिटेज साइट्स मिशन में मेरी पोस्टिंग हुई। सो माय जॉब वाज नॉट ओनली मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स विद इन द कंट्री बट आल्सो आउटसाइड द कंट्री। तो मैं कई जगह ट्रैवल करके मैंने देखा जो दूसरे कंट्रीज में जिस तरह से वो अपने मॉन्यूमेंट्स को मैनेज करते हैं, जिस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर गवर्नमेंट मैनेज करते हैं, वहाँ पे प्राइवेटली मैनेज होते हैं कई कंट्रीज में, तो उनके क्या इनोवेशंस होते हैं, किस तरह से म्यूजियम को रन करते हैं, ये सब देखने का मुझे मौका मिला। जी तो हमने कोशिश की कि यहाँ पर भी आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में हम थोड़ा सा नए कोई इनोवेशन लाए, नए चीजें लाए, नई चीजें लोगों के सामने लाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा रोल ये है कि जो दुनिया में बेस्ट है वो हम राजस्थान के लोगों को दिखाएं और राजस्थान का जो कल्चर है वो हम बाहर के लोगों को एक्सपोज करें। तो कोविड जब शुरू हुआ तो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का तो ये हाल था भी, वो नोवेयर ऑन सोशल मीडिया, हमारी कोई वेबसाइट भी बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं थी। तो जैसे आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो इस मौके को, इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज के रूप में बदलते हुए हमने मार्च में ही अपना एक सोशल मीडिया सेल बनाया, हमने वेबसाइट बनाई, हमने यूट्यूब चैनल बनाए, और जितने परफॉर्मर्स थे जो सब लॉकडाउन में अपने घरों में फंसे हुए थे, हमने सबको मोटिवेट किया कि आप सेल्फ रिकॉर्डिंग करें और फिर हमने इन यूट्यूब चैनल किया। तो किसी को ये लगने नहीं दिया कि कोविड की वजह से कि आप हताश ना हो या लोग आपका जो आर्ट फॉर्म है उसको देखना नहीं चाहते। हमने कोशिश ये की ज्यादा से ज्यादा डिजिटल फॉर्म से लोगों को, जो आर्टिस्ट हैं उनको पहुंचाए। मैम, हमारे साथ हमारे कुछ मेंबर जुड़े हुए हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। पूनम जी, हाँ जी मैम, आपका एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्स प्रोफाइल से है। आप बहुत अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में आपने हेल्प पे काम किया है, तो बहुत कुछ आपसे सीखने को है हमारे लिए। बस हम एक ही पूछना चाह रहे थे कि आप ब्रिटिश चिवनिंग स्कॉलरशिप से भी जुड़ी हुई हैं, जो वुमेन ऑन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे काम को स्कॉलरशिप दे रही है, तो इसके बारे में, इससे जुड़ा हुआ कोई एक्सपीरियंस या कुछ भी आपको लगता है जो आप हमें बताना चाहें,
so that we can also be benefited from that. As far as I know, मेरे ख्याल से officers में I was the first one to be given the GPM scholarship और मैं 2005 में went to UK. Okay. This is a customized program जो government के चलाता है खासतौर पे middle range professionals हैं उनके लिए. So I was picked up as a group of 12 women. स्कॉलरशिप के तहत वंडरफुल वंडरफुल काफी अच्छा वो कोर्स जो वो डेवलप करते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उसमें ना केवल थ्योरेटिकल इनपुट होती है पर वो जगह जगह आपको ट्रैवल कराते हैं और लेके जाते हैं और एक्सपीरियंसेस वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का से उनको दिखाते हैं कि वो उनकी अर्बन बॉडीज कैसे चलती है या उनके कॉर्पोरेशन कैसे चलते हैं. सो दैट वाज ग्रेट एक्सपोजर. जहाँ पे मैं पढ़ रही थी वो इतनी सुंदर जगह थी एंड दिस वाज से वो कोर्स हुआ हमारा. तो कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पे थे मैम? यूके में ही होगा. आई वाज इन लंदन एंड इन यॉर्कशायर. तो वहाँ पे लंदन ओके यॉर्कशायर जो अप्रैल से लेके जो अच्छा वाला वेदर था वो तक आई वाज लकी कि जो बेस्ट सीजन था मैं वहां पे थी एंड आई वाज एबल टू ट्रैवल सो मच सी सो मच लर्न सो मच. एकदम प्लेजेंट वाला है ना. तो उसका बहुत फायदा मिला और एक नए कल्चर में जब आप रहते हैं क्योंकि आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं विजिट करते हैं थोड़े दिन आप एक बहुत ही सुपरफिशियल सा आप कल्चर से निकल के आ जाते हैं. तो जब आप वहाँ रहते हैं उन्हीं के साथ इंटरनेशनल हॉस्टल में उन्होंने हमें रखा हुआ था तो बाकी स्टूडेंट अलग अलग कंट्रीज के थे. तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी क्योंकि हमको जो इंडियन होते हैं तो हम अपना खाना खुद बनाते थे क्योंकि देखने आते थे कि ऐसा भी होता है कि यहाँ पर हॉस्टल में भी खाना बना चुका है. तो बहुत ही अमेजिंग से इंसिडेंट होते थे. बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली एंड ऑफकोर्स काफी लंबा टाइम था तो घर पे भी अलग काफी टाइम रहना पड़ा बट मेरे हिसाब से एक आई ओपनर था. लर्निंग तो डेफिनेटली बहुत हुई होगी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ये जैसे हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ भी था तो वी यूज्ड टू गो एंड अटेंड सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट वॉच. हमारा इंटरेक्शन वो काफी जो वहां की एमपीस थी जो लेडीज वहां से उनका भी उनसे भी इंटरेक्शन और सब ओवरऑल ही एक अच्छा एक्सपीरियंस. हां इंटरेक्शन करके ये पता चलता है कि जो इश्यूज लेडीज फेस करती हैं दे आर द सेम अक्रॉस द वर्ल्ड चाहे वो जेंडर इश्यूज हो चाहे वो चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो नो मैटर व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन अच्छा मैम एक वी ऑल वर्किंग वुमेन प्रोग्रेसिव वुमेन दे हैव हां हां कंटिन्यू करो. ललिता कुछ कुछ पूछ रहे थे. मैं बस एक नॉर्मल सा मैम मेरा क्वेश्चन था कि जब अभी कंप्लीट लॉकडाउन था तो मैम उस समय तो आप भी घर पे ही रहे होंगे क्योंकि कहीं जाना आना तो उस समय अलाउड ही नहीं था. तो वो टाइम आपने मैम कैसे मतलब निकाला? फैमिली के साथ आप पूरा टाइम दे पाए होंगे. वर्किंग वुमेन्स के लिए जैसे रहता है हम लोग कुकिंग वगैरह मिस करते हैं पर नॉर्मली हम लोग सुबह निकल जाते हैं मेड वगैरह खाना वगैरह बनाती है. आपने उस टाइम पीरियड को मैम कैसे एंजॉय किया? एक्चुअली ललिता जी हमारे लिए तो कोई लॉकडाउन वैसे खास हुआ नहीं क्योंकि जब से ऑफिस बंद हुआ चाहे हम ऑफिस नहीं आते थे तो इट वाज रियली वर्क फ्रॉम होम क्योंकि कोविड का जो वॉर रूम था वो शुरू हो गया था. इमीडिएटली गवर्नमेंट ने एक क्राइसिस ग्रुप सेटअप कर दिया था सो वी वर ऑल पार्ट ऑफ दैट. और आपको ध्यान होगा जैसे मार्च अप्रैल में इतने लेबर की मूवमेंट हो रही थी जो यहाँ से लोग जा रहे थे तो बाहर से लोग आ रहे थे तो वो मैनेजमेंट में इतना टाइम लग गया तो वो 24 घंटे तो हम उसी में बिजी रहते थे. तो एक्चुअली मेरे को कोई लॉकडाउन अच्छा उस हिसाब से फ्री टाइम मिला नहीं क्योंकि काम का क्वांटम इनफैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया. मतलब कंप्लीट लॉकडाउन में भी आपका मैम घर से ही वर्क फ्रॉम ऑफिस चालू था उस टाइम पे भी? यस वी हैड टू क्योंकि
काम इतना था और जो क्राइसिस सिचुएशन थी वो तो फिर गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ता है, वो और कोई एजेंसी को मैनेज कर नहीं सकती, तो इसलिए हमने तो नॉट जस्ट ऑफिस 24/7 काम किया, बल्कि बल्कि वर्कलोड और बढ़ गया उस टाइम पे आपका, और अलग तरह का काम, क्योंकि जब वो क्राइसिस है तो कभी आपको ये संभालना है, वो देखना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है वो. ओके मैम, हमें लगा आपने भी मैम घर में ऐसे ही टाइम निकाला, तो फैमिली को टाइम दिया होगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा. मैम नॉर्मली मिस करते हैं सब, क्योंकि सारी चीजें फिर वो संभालने में हमारी ड्यूटीज लगा दी गई. सो ये तो मैम, मैम हमारी एक और मेंबर है डॉक्टर सुनीता जी, शी वुड लाइक टू आस्क समथिंग. गुड इवनिंग मैम. मैम आई हैव टू क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. वन इज दैट हाउ कैन जनरल पब्लिक कनेक्ट टू एनी ऑफ द वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन, बीट एनी एनिमल, यू नो, चाहे पीकॉक्स हैं, चाहे लेपर्ड्स हैं, चाहे सांबर लेक के बर्ड्स हैं, किसी भी एनिमल कंजर्वेशन प्रोडक्ट्स में सॉरी प्रोग्राम्स में लेमैन कैसे जुड़ सकता है. सो दैट इज वन. सेकंड इज एनी ऑफ द रीफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, हाउ डू पीपल कनेक्ट टू दैट. एंड थर्ड इज 40 वुमेन जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके डिपार्टमेंट के साथ में एक किस तरह से वर्क कर सकता है, या हमारे लिए आपके पास कोई मैसेज हो. थैंक यू, दैट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव आपकी तरफ से. जैसा आप जानती हैं कि वाइल्ड लाइफ सेक्टर में बहुत सारे एनजीओस काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु आर इनटू बर्डिंग, तो वो काफी इंटरेस्ट लेती हैं, प्लस एनिमल रेस्क्यू में बहुत सारे एनजीओस इन्वॉल्व होते हैं. तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ विंग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो बहुत एक्टिवली काम करता है एनजीओ के साथ. अभी आपने सांबर की बात की, तो व्हेन वी वर फेसिंग अ क्राइसिस देयर लास्ट ईयर, तो सबसे ज्यादा जो हमको सपोर्ट और हेल्प मिला वाज फ्रॉम द एनजीओ जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में काम करते हैं फॉर एनिमल्स. बहुत उन्होंने वॉलंटियर्स हमें दिए, हमें हेल्प की, जहाँ भी हमने उनको काम बताया उन्होंने किया. उसी तरह से कॉन्जर्वेशन के एरिया में भी बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम करते हैं और वो हमारे संपर्क में रहते हैं. तो अगर आप चाहती हैं कि, और एनी पर्सन लिसनिंग जो चाहते हैं कि हमसे कॉन्टेक्ट में आए, तो आप जरूर हमारे ऑफिस में बताएं. हमारा अरण्य भवन में वाइल्ड लाइफ विंग वहाँ बैठता है. एनीबडी कैन गेट इन टच और यू कैन सेंड अस एन ईमेल and we can direct you as per aapke interest kya hai, kis area mein aap kaam karna chahte hain, to wo jo sentry karta hai unke sath aap jod sakte hain. hum bahut schools, colleges, education institutions ke sath bhi kaam karte hain, kyunki jo hamara extension activities hain, hamare prachar prasar hain, promotion activities hain, wo hum youth groups ke madhyam se hi karte hain. So that is also a very important thing, क्योंकि जहाँ outreach हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम involve कर पाए, message दे पाए, उस area में भी हम काम करते हैं. And if you have a new organization, मान लीजिए कि आप कुछ नया काम, आपको लगता है कि there is a gap, उसमें हमें कुछ initiative लेना चाहिए, so please get in touch with us, we'll be happy to support, क्योंकि हम कुछ ना कुछ activities करते ही रहते हैं. हमारे कई सारे डेज हम सेलिब्रेट करते हैं हर महीने, हर दो महीने में कोई फॉरेस्ट्री डे या एनवायरमेंट डे या कोई इस तरह का इवेंट आता है, उसमें हम कार्रवाई करते रहते. मैम जैसे लेट्स से लेपर्ड प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन, जैसे अभी न्यूज़पेपर में बेरा के लिए यू नो फ्यू रिपोर्ट्स थे कि भी वहां पे जो लेपर्ड्स हैं उन लोगों को जो भी है फॉर व्हाटएवर रीजंस उनके हैबिटेट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं. इट्स ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रिसॉर्ट्स कमिंग देयर
और वट एवर बी द रीजंस, तो इन सब के लिए एक बेसिक जागरूकता चलाने के लिए ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर में आपका डिपार्टमेंट एंड 40 ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क टुगेदर? आप सुन पा रही हैं? आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो। हाँ जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, आई कैन हियर यू नाउ। आई अग्री, अगर इस तरह के हैं जिसे हमारा झालाना है, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे झालाना में भी हमसे जुड़े हुए रहते हैं फॉर लेपर्ड कॉन्जर्वेशन, जिनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट उसमें है। बीड़ा में भी आई कीप गेटिंग पीपल व्हेन यू वांट टू टेक एनी इनिशिएटिव्स, बट इफ यू थिंक इस तरह के लोकल इनिशिएटिव्स अगर कोई लेना चाहे तो यू प्लीज राइट टू अस, टेल अस, वी विल पुट यू इन टच विद द लोकल ऑफिसर्स, क्योंकि यहाँ से तो कोऑर्डिनेट करने से अच्छा है कि वहाँ हमारी जो टीम है, वहाँ कलेक्टर है, उनसे आप कोऑर्डिनेट करें एंड वट एवर अवेयरनेस जनरेशन यू वांट टू डू। ओके, थैंक यू। एंड इज देयर एनी मैसेज फॉर 40 वुमेन? And if there is anything that the department would like us to do for you, for, with these, no, we would love, especially for environment, like reforestation, hai, yeah, you know, revival of the. No, I have to tell you about two new schemes that we've we are coming out with. Ek, hum urban forestry pe bahut zor de rahe hain because we feel that every city. लंग्स, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सिटी वन है, दैट इज सच एन एसेट टू द सिटी। इसी तरह से हर सिटी में और स्पेशली स्मॉलर सिटीज विच स्टिल हैव सम स्कोप कि वहाँ अर्बन फॉरेस्ट हो, तो आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके दूसरे हर डिस्ट्रिक्ट में जो एसोसिएट्स हैं, उनको अगर आप कहें कि हमारे जो आइडेंटिफाइड नगर वन हैं उनमें हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं कि मान लीजिए फेंसिंग कर दें या बाउंड्री वॉल कर दें, पर हर साल उसका मेंटेनेंस, हर साल उसमें आगे एक्सटेंशन करना, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट लोकल सपोर्ट। और इन नगर वन, इनका उद्देश्य ये है कि लोगों को एक सिटी के बीच में एक ग्रीन स्पेस मिले जहाँ वो जा सकें, जहाँ उनके बच्चे जा सकें, जहाँ वो एक उस तरह उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो जाए। दैट इज वन इनिशिएटिव। द अदर इज एक स्कूल नर्सरी स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, वेयर वी विल आइडेंटिफाई स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो खुद ही प्लांटेशंस करें और उनको मेंटेन करें। तो वो बच्चों को हैंड्स ऑन एक तरीके से सिखाने का काम है। बट हमारे यहाँ यू अंडरस्टैंड कि पानी का इतना चैलेंज रहता है कि कई स्कूल्स में तो पानी की सप्लाई ही नहीं मिल पाती है, तो उस बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में, खासतौर पर डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे आइडेंटिफाइड स्कूल्स हैं, उसमें अगर एनजीओस जुड़े तो बहुत उसमें सपोर्ट मिले। I think even Nagar One and school plantation, dono hi bahut hi achhe initiatives hain, and hum surely aapse touch mein rahenge ma'am. Thank you so much. Neha? Ma'am, one more member, Neelam Mittal, wants to ask a question, ma'am. Yeah, Neelam, definitely. Lalita. Yeah, Lalita. Thank you so much, Lalita. So, ma'am, one question from my side. You are belongs to art culture se related hai, aur bahut long time se aapko Rajasthan ki sanskriti ko janne ka bhi mauka mila. So, what do you feel about your hometown culture or Rajasthan culture? In dono ke beech kya differences hai aur kya learning hai aapki life mein dono se? Mujhe lagta hai ki jitna ek calm ya jitna colorful Rajasthan ka culture hai, wo shayad pure world mein iski aur koi misal nahi hai, aur ye ek aisa attraction hai। तो ध्यान है, लॉकडाउन के पीरियड में हमने राजस्थान फ्रॉम होम करके इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, हमने वर्चुअल टूर्स और काफी सारे प्रोग्राम्स डिजिटली किए थे, और लोग रिस्पॉन्ड करते थे फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, दे वुड पुट अप प्लैकार्ड्स, डू अ सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो एंड से वी मिस यू सो मच।
मतलब ये जो बार बार रिपीटेड हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है, विजिटर आता है, वो इसलिए आता है कि हमारा जो ये कल्चर है इतना यूनिक है कि डेजर्ट स्टेट है, उसमें इतने हम कलरफुल तरीके से अपना जीते हैं, चाहे वो हमारे कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे वो हमारा खाना हो, या हमारे जो गाने हैं, जो डांसेस हैं, वो उसका कोई कंपैरिजन कहीं है ही नहीं. सो इट इज जस्ट द कलर एंड द मेरे ख्याल से जो वाइब्रेंस है वो बहुत अट्रैक्ट करता है, वो पूरे कंट्री में और कहीं नहीं इतना एक कॉम्बिनेशन इस तरह का रहता है. मुझे याद है जब फेब्रुवरी में यूनेस्को की डीजी आई थी, जब उन्होंने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टैग, वो सर्टिफिकेट हमें दिया था, तो उनकी फ्लाइट थी, वो वापस जा रही थी, और वो हमने अल्बर्ट हॉल में उनके लिए एक स्पेशल राजस्थानी फोक का कॉन्सर्ट रखा था, और वो वहां से जाने को ही तैयार नहीं थी. वी हैड टू लिटरली टेल हर कि आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, आप प्लीज चलिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव आई सीन एनीथिंग सो ब्यूटीफुल, इतना यूनिक उनको लगा. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट हमारे फोक ट्रेडिशंस का जो कलर है वैसा कलर और कहीं नहीं. मैम हमारी फेलो मेंबर हैं, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है मैम कि पेरेंटिंग वर्किंग विमेंस के लिए पेरेंटिंग के कुछ टिप्स आप मैम शेयर करना चाहेंगे प्लीज. मैं तो अपने कजिन्स को या जो भी मुझे पूछता है मैं एक ही चीज कहती हूँ, पहले तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स्ड रहिए, आप स्ट्रेस में ही नहीं रहिए, या गिल्टी मत फील करिए कि मैं मेरे बच्चे इग्नोर रह रहे हैं, या जितना मुझे टाइम उनको देना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही हूँ. जस्ट एक्सेप्ट कि आप नहीं दे पाएंगे इन कंपैरिजन टू समबडी जो सारे टाइम घर पे रह रहा है या ज्यादा उसके पास ज्यादा आवर्स हैं. वंस यू गेट ओवर दैट तो आपके बच्चे भी उसी तरह से आपसे एंगेज होते हैं, बिकॉज दे फील दैट मेरी मदर बाहर जाती हैं, काम करती हैं, शी इज डूइंग समथिंग वर्थवाइल. तो कई बार मेरे बच्चे जो बहुत छोटे थे वो स्कूल में ऐसे लिखते थे, देन आई वुड फाइंड दे वुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी मदर मुझे कंस्ट्रक्टिव कर रही हैं, बाहर जा रही हैं. तो उस बात को सेंस करते हुए वन शुड नेवर फील गिल्टी एंड वन शुड बी टोटली रिलैक्स. जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतने ही रिलैक्स आपके बच्चे रहते हैं. और मतलब आई डोंट थिंक हम कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए टाइम नहीं है पर फिर भी जो टाइम है उसमें क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन तो हम कहीं कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है. सो देयरफॉर द बेस्ट थिंग इज टू बी टोटली रिलैक्स्ड एंड चिल्ड आउट एंड योर किड्स विल रिस्पेक्ट यू. ये मेरा मैसेज तो यही है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में नहीं. मैम इसी सवाल को अगर दूसरी तरीके से फ्रेम किया जाए कि क्या ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमेन अपने किड्स और अपनी फैमिली की ग्रोथ को हैम्पर करती हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या सजेशंस होंगे? मेरे बच्चे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, वो कभी वेट नहीं करते हैं मेरे लिए कि मैं आके होमवर्क करवाऊं या मैं आके बैठूं तो तभी एग्जाम की पढ़ाई होगी. वे टोटली रिलैक्स, उनको पता है कि कितना जब सपोर्ट चाहिए तब मिल जाएगा. बिकॉज अगर मान लीजिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है आपको छुट्टी लेना पड़ेगा तो आप लेके ही करेंगे, बोर्ड एग्जाम है या बहुत कोई इम्पोर्टेंट. मेरा तो बेटा जब अपना जेई का एग्जाम दे रहा था सो मतलब उससे ज्यादा तो शायद मैं स्ट्रेस थी, बट दे नो कि जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम. और बाकी जितना वो मैनेज कर सकते हैं वो खुद मैनेज कर लेते. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आज आपसे इतने सारे मन के सवाल और आपके पर्सनल लाइफ के सवाल पूछ के. थैंक यू सो मच मैम आज 40 विमेन विंग के साथ जुड़ने के लिए और हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए. पूरे 40 विंग की तरफ से शुक्रिया मैम.